बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पहल जो है अभी डाउन क्यों हुआ था और क्या ये डाउन हुआ या फिर ये प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो ये पहल का चार्ट है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहल आज पूरा यहाँ से ये इसकी कल की 14 तारीख एक्चुअली क्लोजिंग थी, 15 का डेटा इसमें मिसिंग है और उसके बाद ये यहाँ तक किया और उसके बाद ये यहाँ गया। हम इसको एक काम करते हैं, दूसरी जगह पे खोलते हैं ताकि हम आपको ये डेटा जो मिसिंग है वो आ जाए साथ। देखिए यहाँ पे हमने इसको ओपन किया है। देखिए अब यहाँ पे ये वाला जो डेटा है ना 15 तारीख का, 15 दिसंबर का, ये जो है ट्रेडिंग व्यू पे नहीं आ रहा, ठीक है, जिसकी वजह से एनालिसिस थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो ये यहाँ से चला था, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे अपनी वीडियो में बताया था आपको कि देखिए ये यहाँ पे आके कितने बड़ा इसने यहाँ जंप लिया, ऊपर किया। तो यहाँ से भी आज के दिन जो बिस्तर चला था तो ये ऊपर गया, लेकिन फिर ये नीचे आ गया। अच्छा, नीचे आना जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, जो यहाँ से स्टॉक चलेगा इस जगह से यहाँ तक पहुँचेगा तो एक कुछ प्रॉफिट टेकिंग तो लोग करते हैं। देखिए एक्चुअली खाली प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई है, इसके अंदर एक बात ये भी हुई है कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, वहाँ से अनाउंसमेंट आई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, KMI 30 इंडेक्स की रिकम्पोजिशन हुई है, जिसके अंदर जो है ये पाक इलेक्ट्रॉन PEL का जो शेयर है एक्चुअली इसको यहाँ से मूव किया गया है KMI 30 से। अच्छा, इसके अंदर एक इशू था है जो शायद लोगों को कन्फ्यूजन रही, वो हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए ये वो है रिकम्पोजिशन ऑफ KSE Mizan 30 इंडेक्स KMI 30 का। अब देखिए नॉर्मली होता ही है कि नोटिस को हमेशा सही तरीके से पढ़ना चाहिए और पूरे तरीके से पढ़ना चाहिए, जब इसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो फिर नुकसान होते हैं चीज़ों का। ठीक है, इसमें लिखा कि बहुत एहतियात से पढ़िएगा। इन्होंने पहली लाइन में किया है कि इन्होंने एक्सरसाइज की रिकम्पोजिशन ऑफ 30 इंडेक्स फॉर द रिव्यू पीरियड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। जाहिर सी बात है पास्ट जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको रिव्यू किया जाता है। अच्छा, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने उसको कुछ कंपनीज को इन किया और कुछ को आउट किया। तो यहाँ तक तो लोगों ने बात पढ़ ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे की जो चीज़ है वो ये देखिए कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस कंपनी को, ठीक है, डाउ थर्ड प्लेस को, ये जो इन्होंने ये लगाया है ये पर और इसको यहाँ के साथ मिला के पढ़िए, ये शरिया का क्राइटेरिया जो है बीपी करा, इसकी वजह से इसको आउट किया गया। और नेट सोल, पाक इलेक्ट्रॉन और शेल के आगे दो दो लगे हैं इसको, ये देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट इंक्लूडेड इन टॉप 30 रैंक। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी है तो शरिया कंप्लायंट, ये कंपनी है तो शरिया कंप्लायंट, लेकिन ये जो है टॉप 30 के रैंक को अंदर नहीं आ रही। दरअसल वाले KMI 30 के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती हैं, ठीक है, जो बेहतरीन 30 कंपनीज होती हैं। अब एक कंपनी है तो शरिया कंप्लायंट लेकिन उसका 31 नंबर आता है, वो इसके अंदर नहीं रखते, उसके बजाय किसी और कंपनी को लेकर आते। तो हुआ ये कि पाक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, आउटगोइंग में किया, लेकिन इसका मतलब है 30 से निकला है, लेकिन ये स्टिल इस्लामिक शेयर के इंडेक्स और शेयर KMI का जो ऑल इंडेक्स का जो शेयर है उसके अंदर इस वक्त भी मौजूद है, तो इसके अंदर परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। तो वो लोग जिन लोगों ने इसको सेल कर दिया था ये समझ के कि भाई सेलिंग हो रही है, तो ये इस वक्त आउट नहीं हुआ है, उसकी वजह ये कंपनीज इंटर हुई है। हम इस कंपनीज पर भी बात करेंगे कि इस कंपनीज के आने से क्या अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, लेकिन ये इस मामले में ख्याल रखिए कि ये पाक इलेक्ट्रॉन स्टिल इज इन द इस्लामिक इंडेक्स शेयर। अब नीचे आ जाइए तो ये वो 30 कंपनीज हैं जो कि KMI के अंदर आई हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जब निकल जाता है शेयर तो फौरी तौर पर, ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर पर इसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी KMI के, उससे इसकी जो इफेक्टिवनेस है ना, यानी 22 दिसंबर जुम्मे से दिन से ये स्टार्ट होगा इसका, ठीक है, जुम्मे वाले दिन निकलेगा। अब ऊपर से फिर नीचे आ जाए तो इसका हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो ये हम आ जाए, ये रखा पाक इलेक्ट्रॉन, और जूम कर लेते हैं इसको, ये देखें 107 पे पहल पाक इलेक्ट्रॉन कंप्लायंट का चेक है और आखिर में क्या आ रहा है, देखें ये कंप्लायंट है, ये स्टिल यानी अभी तक ये कंप्लायंट है, ये उसकी इंडेक्स से नहीं निकला है।
बाज़ लोग इन लोगों ने बहुत जल्दबाजी के अंदर इसको सेल कर दिया। एक्चुअली इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर ऐसी बात अभी रैली चलेगी, और जैसे हम अपने पुरानी वीडियोज़ के अंदर बताया था कि इसकी मंजिल थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी उसको ज़रूर देखिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इस वीडियो के पहले हमने एक वीडियो और पोस्ट किए MTL से मुतालिक, उसको आप ज़रूर देखिएगा, और एक अच्छा स्टॉक है जिसका आपको फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, दो वीडियोस बल्कि तीन वीडियोस और आने वाली हैं, ठीक है। जाहिर सी बात ये इससे निकला है, ठीक है, इसमें कुछ सेलिंग आई है, ठीक है, पाक इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है वो फंड्स मूव होंगे। दरअसल वो फंड्स कहाँ मूव होंगे, वो इस कंपनीज में और इधर मूव होंगे, ठीक है। ये तो ज़रा सा इतना लिक्विड शेयर नहीं है, ठीक है, और ये थोड़ा सा अभी इस वक्त पोजिशन में बेहतर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं ये वाले फंड्स को मूव होंगे यहाँ से, ठीक है। और KMI 30 बास जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो KMI 30 के हिसाब से अपने आप को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि उनके एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उसके ऊपर उनको अमल करना होता है, तो लाजमी तौर पर उनको फिर इस तरह के शेयर्स से जब आउटगोइंग होते हैं तो निकलना पड़ता है। हालांकि है इस्लामी, लेकिन क्योंकि वो बास म्यूचुअल फंड सिर्फ इसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब ये निकल गया तो जाहिर सी बात है उनको उसको छोड़ना पड़ेगा, वरना रूल्स की खिलाफ वर्जी हो जाती है। फिर वो जब फ्लू इसको सेल करेंगे तो फिर ज़्यादा फंड अवेलेबल होगा, फंड फिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जाहिर सी बात है कोई नई या तो इन कंपनीज में करेंगे या फिर ये नीचे आ जाइए इन कंपनीज की तरफ जाएंगे। तो इसके अंदर भी हम पहले ऑलरेडी आपको इसके मुताबिक बता चुके हैं, ठीक है, पहले ही बता दिया था, देख लीजिए अभी नंबर वन पे सिस्टम्स ही लिखा हुआ है। हमारे पूरे प्रीवियस वीडियो देखिए तो उसके अंदर आपको पता चलेगा हमने इसका ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है ही फेवरेट, पहले भी बता चुके हैं, इसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर हमने बताया, पिछली वीडियो जो भी हमने पोस्ट की वो इससे मुतालिक है, ठीक है। जो फंड्स वहाँ से निकलेंगे सब यहाँ इन चीज़ों के अंदर, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसके अंदर आएंगे सब यहाँ पे, ठीक है। कुछ वीडियोस अभी आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला, उसको भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसके अंदर और बेहतरी की उम्मीद। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो के अंदर हमने आपको ये चीज़ दिखाई है ये एक्चुअली करेक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली सेलिंग हुई है उन कंपनीज की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो कि इसको KMI 30 के अंदर करते हैं खाली इन्वेस्टमेंट, और जब उन्होंने ये चीज़ अनाउंसमेंट देखी तो उसके बाद ये सेलिंग का प्रेशर इस पर पड़ा, तो यहाँ पे ये तकरीबन लोअर लॉक के लग गया था इसको। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है कि ये वापस उठेगा कुछ इस पोजीशन के पास से, ठीक है। ये हो सकता है अगर लोगों ने सही से नोटिफिकेशन को पढ़ लिया तो हो सकता है ये इसी जगह से यहाँ से वापस मूव अप कर गया, तो ये यहाँ से या इस जगह से वापस मूव करके ये ऊपर की पोजीशन की तरफ मूव करेगा। ट्रेडिंग व्यू भी हम नहीं दिखा पा रहे इस चीज़ को क्योंकि जाहिर सी बात है ये वाला जो डेटा ट्रेडिंग व्यू में नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हो ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ ऊपर गया था सिर्फ एक नोटिफिकेशन की वजह से, जो गलत फहमी कुछ हुई लोगों को उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ गया जिसकी वजह से नीचे आ गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि पाक इलेक्ट्रॉन का शेयर होल्ड किए हुए हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो इस मामले में दूर हो जाए कि स्टिल ये शेयर जो है इस्लामिक कंप्लाइंट की ऑल शेयर इंडेक्स की लिस्ट में मौजूद है, सिर्फ 30 की लिस्ट से निकला है ये। और इसके बाद वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उससे आपको मज़ीद एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।